हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। चलिए दोस्तों, जितने भी लोग आ गए हैं आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए हेलो, चलिए बहुत अच्छा दोस्तों। चलिए गुड आफ्टरनून आप सभी को, गुड आफ्टरनून जितने भी लोग आ गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उन सभी क्वेश्चन को करवाने थे, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट पूरा कर देता हूँ, ताकि आप लोग भी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को गुड आफ्टरनून जितने भी लोग आ गए हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रवि फसल के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, रवि फसल के उदाहरण हैं। आप लोग को आंसर बताना है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे आज हम, ताकि जल्दी से ये खत्म हो सके। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए, जितने भी लोग यहाँ पे, रवि फसल के उदाहरण हैं। चलिए कोई लोग बताइए, अब रवि फसल कब लगाई जाती है, रवि फसल कब लगाई जाती है, रवि फसल कब लगाई जाती है, ये भी बताइए साथ साथ। रवि फसल लगाने का समय क्या है, कब लगाई जाती है रवि फसल। रवि फसल कब लगाई जाती है, ये भी बताना है आप सभी को। चलिए बहुत अच्छा आंसर आया है आप सभी का। चलिए, रबी फसल लगाने का समय कौन सा है, किस मंथ में रबी फसल लगाते हैं। जब आपको ये पता रहेगा तब ना आप बताइएगा कि रबी फसल इसमें से कौन सा है। चलिए बहुत अच्छा आंसर आया है आप सभी का। चलिए बहुत अच्छा आंसर आया है आप सभी का। इनमें से सभी ऑप्शन डी यहाँ पे होगा और अक्टूबर नवंबर सही है। ठीक है, रबी फसल जो लगाई जाती है उसका जो समय है अक्टूबर नवंबर है। ठीक है, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तेजक फसल नहीं है। ध्यान रहे, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मिस्टेक मत कीजिएगा, पूछ रहा है नहीं है, उत्तेजक फसल नहीं है, उत्तेजक फसल नहीं है। इसमें से कौन नहीं है, चाय नहीं है, प्याज नहीं है, तंबाकू नहीं है या फिर कॉफी नहीं है, इसमें से उत्तेजक फसल नहीं है। चलिए, अंकित कुमार का आंसर आया है, कुबेर मुड़िया का, प्रिया का आया है, अनु अनुजा का आया है, अमित कुमार ऑफिशियल का आया है आंसर, ककांसा प्रवीण, रुस्तम एमडी आया है, ऐसा कुमारी का आया है, कुबेर प्रिया बी होगा। चलिए ठीक है, मेघा कुमारी बता रही हैं बी होगा, बहुत अच्छा। चलिए आदित्य राज बता रहे हैं ओनियन, यानी ओनियन है ऑप्शन बी में। चलिए सही है आपका, ऑप्शन बी बी है। चलिए आप सभी का सही है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो प्याज जो है वह उत्तेजक फसल नहीं है, ध्यान रहे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान फसल के लिए उपयुक्त जलवायु, ठीक है, धान फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी का पीएच मान, धान फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 3.5, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 8.5, ऑप्शन डी इनमें से सभी। थर्ड का भी बता रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा आया है आप सभी का आंसर, ऑप्शन बी थर्ड का जो है, ऑप्शन बी धान के लिए जो होता है 6.5 होता है, अभी जस्ट हम क्लास में बता रहे थे। ठीक है, अभी क्लास में भी डिस्कस हुआ था इस क्वेश्चन पे। ठीक है,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए सही है आप सभी का, चलिए सही है बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है। ऑप्शन ए ट्राइटिकम अस्टिवम, ऑप्शन बी ओरिजा सेटाइवा, ऑप्शन सी केजेनस केजन, ऑप्शन डी जिया मेज। चलिए का कांता प्रवीण ये बता रहे हैं, अंकित कुमार ये बता रहे हैं, रुस्तम कुमार ये बता रहे हैं, अनु अनुजा ये बता रहे हैं, मिंसु कुमार ये बता रहे हैं, अंकित कुमार ये बता रहे हैं, कुबेर प्रिया ये बता रहे हैं, मेघा कुमारी ये बता रही है, सौरभ कुमार ये बता रहे हैं, सोनू कुमार ये बता रहे हैं, आरती आर्या ये बता रहे हैं, मिंसु कुमार ये बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी का आंसर एकदम सही है, ऑप्शन ए ट्रैटिकम अस्टिवम जो होता है गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है आपका ये होता है धान का, अभी जस्ट बताए थे क्लास में धान पे डिस्कस हो रहा था। जिया मेज होता है, मेज मतलब मक्का होता है, तो बताए थे ना जिया मेज मतलब मक्का का होता है। उसके बाद केजनस केजन जो होता है अरहर का होता है, ये भी बताए हुए हैं अरहर का होता है। ओके चलिए सही है आप सभी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भंडारण के समय धान के दानों में नमी रहना चाहिए, भंडारण के समय धान के दानों में कितना प्रतिशत नमी रहना चाहिए। यहाँ पे भी दोस्तों दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पूछेगा भंडारण के समय और एक पूछेगा कटाई के समय। कटाई के समय पहले बताइए भंडारण का कब होता है। आप लोग पांच का बी बता रहे हैं, पांच का बी, पांच का बी, पांच का बी। चलिए बहुत अच्छा, चलिए सभी का सही है पांच का बी। चलिए 14% सही है धान में, ठीक है, धान में जो है भंडारण के समय होता है, भंडारण के समय होता जो है 14%, ध्यान रहे भंडारण के समय 14% सही है, ठीक है। और दोस्तों कटाई के समय जो होता है, कटाई के समय होता है कितना, कटाई के समय एकदम सही आंसर आया है कांसा प्रवीण का, कटाई के समय 24% होता है, सही है, कटाई के समय 24% होता है धान में, ठीक है, एग्जाम में मिस मत कीजिएगा। कटाई के समय 24% और भंडारण के समय 14%, याद रखिएगा ये क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों एकदम सही है आप सभी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, बिहार में गेहूं के असिंचित प्रभेद हेतु उपयुक्त समय है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, बिहार में गेहूं के असिंचित प्रभेद हेतु उपयुक्त समय है, बिहार में गेहूं के असिंचित प्रभेद हेतु उपयुक्त समय है। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, ऑप्शन बी 15 नवंबर से 30 नवंबर तक, ऑप्शन सी 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, और ऑप्शन डी है यहां पे इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। अंकित कुमार बी बता रहे हैं, अमित कुमार ऑफिशियल ए बता रहे हैं, कहकांसा परवीन ए बी बता रही हैं, रुस्तम एमडी बी बता रहे हैं, राजीव कुमार बी बता रहे हैं, कुबेर प्रिया बी बता रहे हैं, प्रिंस कुमार ए बता रहे हैं, सौरभ कुमार सर एजी का क्लास कब कब होता है। एजी का क्लास आपका शाम में होता है, इवनिंग में 7 बजे से, ठीक है, लेकिन आप जो है धीरे धीरे उस टाइम को चेंज करेंगे और इस टाइम दोपहर के टाइम इसको करेंगे, ठीक है, दोपहर का टाइम ठीक रहता है पढ़ाने में। चलिए कुबेर प्रिया बी होगा सर, चलिए सही है बी होगा। चलिए कम कमलेश कुमार सी बता रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी तीनों आंसर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। तो मैं बता दूं बिहार में, ठीक है, बिहार में असिंचित के लिए जो होता है, असिंचित के लिए होता है वो होगा 15 अक्टूबर से, असिंचित के लिए जो होता है वो होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रहे। आदित्य राज आपका नाम नहीं लेते हैं, हो सकता है छूट गया होगा, कोई बात नहीं है अब से लेंगे। चलिए बिहार में गेहूं के असिंचित प्रभेद हेतु उपयुक्त समय है, ठीक है, कितना है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए, कुछ लोग यहाँ पे बी बता रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सी बता रहे हैं। मैं बता दूं यहाँ पे बी और सी जो होता है वो होता है, बी जो होता है वो समय पर होता है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे असिंचित, बिहार में गेहूं के सिंचित यानी कि समय पर आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आप लोग पढ़े होंगे बिहार में क्वेश्चन सेम इसी तरह से रहता है, बस यहाँ पे असिंचित की जगह यहाँ पे सिंचित लिखा हुआ रहेगा, सिंचित और ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा समय पे, ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा समय पर, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे असिंचित पूछ रहा है, असिंचित में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होगा, अगर सिंचित और समय समय पर पूछे तब 15 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा, ठीक है।
उसके बाद ध्यान रखिएगा आप लोग, जो किस लोग कुछ लोग बता रहे थे कि ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो बता रहे थे 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, उनको बता दूँ उसमें क्या होता है, असिंचित लिखा हुआ रहेगा और विलंब से जो होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तब जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, तब राइट आंसर होगा। ये तीनों आप लोग ब्रैकेट में कहीं पे लिख लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे, आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये तीनों आप लिख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो ये होगा असिंचित के लिए, ऑप्शन बी होगा सिंचित मतलब समय पर, और ऑप्शन सी जो होगा ये होगा विलंब से। ये तीनों आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है क्वेश्चन नंबर 7। चना में प्रोटीन होता है, चना में प्रोटीन कितना होता है ये बताइए, चना में प्रोटीन कितना होता है, चना में प्रोटीन होता है ऑप्शन ए 10 से 15%, ऑप्शन बी 18 से 22%, ऑप्शन सी 25 से 30%, और ऑप्शन डी है यहाँ पे 30 से 35%। आप सभी लोग बताइए चना में प्रोटीन कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। चलिए अंकित कुमार का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बी बता रहे हैं, मिंसू कुमार बी बता रहे हैं, आदित्य राज बी बता रहे हैं, मेघा कुमारी सी बता रही हैं, सोनू कुमार भी सी बता रहे हैं, मिंसू कुमार बी बता रहे हैं, अमित कुमार ऑफिशियल बी बता रहे हैं, कांसा परवीन बी बता रही हैं। चलिए सही है, राजीव कुमार सी बता रहे हैं, अंकित कुमार 22% बता रहे हैं, 18 से 22 सही है, कुबेर प्रिया भी बता रहे हैं, मिंसू कुमार बी हो गया, आयशा कुमारी सी बता रही हैं। दोस्तों मैं बता दूं जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बताया है, ऑप्शन बी 18 से 22% उनका सही है। ध्यान रहे चना में जो प्रोटीन होता है 18 से 22%, चना में प्रोटीन होता है 18 से 22%, ठीक है, चना में प्रोटीन होता है 18 से 22%। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। मसूर का स्तंभ मूल संधि गलन रोग का कारक है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं आपको, पिछले क्लास ऑब्जेक्टिव का जब बता रहे थे वहाँ पे अच्छे से एक एक क्वेश्चन को हम डिफाइन करके बताए थे, जो भी ऑप्शन दिए हुए थे सभी का बताए थे, तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, अंकित कुमार बता रहे हैं ए होगा, चलिए और भी लोग बताइए, मसूर का पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मिंजू कुमार सी बता रहे हैं, काकांसा परवीन भी ए बता रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग सही से नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही है, क्वेश्चन सही से पढ़िए, मसूर का पूछ रहा है ना कि चना का पूछ रहा है, ठीक है, मसूर का पूछ रहा है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे सही है, 8 का सी होगा यहाँ पे, ठीक है, मसूर का जो है यहाँ पे जो है आप लोग से मसूर, यहाँ पे ए बी सी सभी आंसर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों फिर से हम पिछले क्लास में आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से डिफाइन करके बताए थे ताकि आप लोग लिख भी लीजिएगा, लेकिन दोस्तों फिर भी आप लोग गलत बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, चलिए अब सही आ रहा है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी होगा, एस्केलेडेशियम रोलफ्साई, ठीक है। और जो लोग फ्यूजेरियम बता रहे हैं, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम बता रहे हैं, ये आपका चना का होता है, बताए थे ना चना में एक डिजीज होता है, कौन सा डिजीज है, उकटा डिजीज होता है, उकटा बीमारी होता है, उसका होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम, ठीक है। हेलिकोर्पा आर्मीजेरा किसका होता है ये भी बताए हुए थे, हेलिकोर्पा आर्मीजेरा जो होता है ये होता है चना का फलीदोदक कीट, चना का फलीदोदक कीट का होता है, ये भी बताए हुए थे अच्छे से, फली दोदक कीट यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है ये सब आपको बताए हुए थे, तो आप लोग मिस्टेक मत कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की आवश्यकता बराबर होता है जल की आवश्यकता, ऑप्शन बी प्रभावी वर्षापातन, ऑप्शन सी जल की आवश्यकता प्लस प्रभावी वर्षापातन, और ऑप्शन डी है यहाँ पे जल की आवश्यकता प्लस प्रभावी वर्षापातन प्लस भूमिगत जल का योगदान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सिंपल है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, इन सभी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देखिए। चलिए सही है, ऑप्शन 9 का डी बता रहे हैं सभी लोग, सभी का सही है, सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए पहले, गेहूं फसल की जल की कुल आवश्यकता होती है,
गेहूं में जल की आवश्यकता कितनी होती है, कई बार बता चुके हैं अच्छे से, बताइए ये क्वेश्चन भी, गेहूं में जल की आवश्यकता कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए। चलिए बहुत अच्छा आंसर आया है 28, ठीक है 28 सेंटीमीटर बता रहे हैं, रुस्तम कुमार भी ये बता रहे हैं, 10 का ये बता रहे हैं सही है, मेघा कुमार ये बता रही हैं, राजीव कुमार मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, 10 का सी नहीं होगा, ए होगा यहाँ पे। चलिए सही है ए, मिंसू कुमार, आदित्य कुमार, अमित कुमार ऑफिशियल, अभिषेक, ठीक है आप सभी का सही है। आदित्य राज सही है आपका भी, चलिए मिंसू कुमार सही है, आयशा कुमारी सही है। चलिए दोस्तों यहाँ पे 28 सेंटीमीटर होता है गेहूं के लिए, ठीक है 28 सेंटीमीटर होता है गेहूं के लिए। दोस्तों यहाँ पे 50 सेंटीमीटर होता है ज्वार बाजरा के लिए, ये भी बताए हुए हैं याद रखिएगा, हो सकता है अगर बाई चांस पूछ दे, ज्वार बाजरा के लिए होता है आपका, ठीक है 50 सेंटीमीटर। चलिए सही है आपका कंसा बहुत अच्छा, 62.5 जो होता है वो होता है मक्का के लिए, बहुत अच्छा जवाब बताए हैं, 62.5 जो होता है वो होता है मक्का के लिए, एकदम सही है। उसके बाद बता रहे हैं 200 सेंटीमीटर ना, 200 सेंटीमीटर किसके लिए होता है, 200 से 300 होता है ना एक, किसके लिए 200 से 300 धान, चलिए बहुत अच्छा आंसर आया है, 200 से 300 होता है धान के लिए। तो ये चारों याद रखिएगा, कहीं ना कहीं रिपीट होने के चांसेस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए सभी क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे, काहे कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आप लोग सही करके आइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब फसलों को खरपतवार से हानि के उदाहरण है, दोस्तों फसलों के खरपतवार से क्या क्या हानि है ये बताना है। चलिए आप सभी का सही है, 200 धान होता है 200 से 300, लेकिन अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, फसलों को खरपतवार से हानि के उदाहरण है, चलिए बहुत अच्छा बता रहे हैं ऑप्शन डी, चलिए सिंपल क्वेश्चन है ऑप्शन डी होगा, ठीक है भूपरिष्करण खर्च में वृद्धि होता है, ठीक है फसलों के बीज अंकुरण में भी कमी होता है, फसलों के गुण का ह्रास भी होता है, ठीक है ये सभी चीजें होती है अगर फसल में खरपतवार लग जाते हैं तो, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू से, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू से, ये भी क्वेश्चन हम कंप्लीट में बताए हुए हैं आपको, आलू परिवार के खरपतवार का उदाहरण है, आलू परिवार के खरपतवार का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, आलू परिवार के खरपतवार का उदाहरण है, ये भी क्वेश्चन हम अच्छे से बताए हुए हैं पिछले क्लास में, एक एक क्वेश्चन सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताए हुए हैं और आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा 12 का ए, 12 का ए, 12 का ए क्या बता रहे हैं आप लोग, ये बता रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं, सोलेनम नाइग्राम सही है आप सभी का, आप सभी का एकदम सही है, अमित कुमार ऑफिशियल, कुबेर प्रिया, आदित्य राज, रुस्तम एमडी, ठीक है आरती आर्या, अंकित कुमार, आप सभी का एकदम सही है, काकांसा प्रवीण एकदम सही है, चलिए बहुत अच्छा, केशव सिंह भारद्वाज आपका भी सही था, चलिए जितने लोग ये बताएं, ठीक है सोलेनम नाइग्राम बताए हैं उन सभी का सही है। ठीक है आप सभी का बिल्कुल सही है, दोस्तों यहाँ पे सेक्चरम स्पोटनियम जो होता है वो भी जान लीजिए, ये जो होता है घास परिवार के लिए होता है, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ये होता है घास परिवार के लिए, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है ये होता है जूट परिवार के लिए, ये भी जान लीजिए, हो सकता है अगर पूछ दे एग्जाम में तो आप लोग सही करके आइएगा। चलिए दोस्तों आ जाइए फटाफट, हाँ मैं बता रहा था ये जो है ऑप्शन डी में वो होता है जूट परिवार के लिए, उसके बाद जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन सी में ये होता है प्याज के लिए, पिछले क्लास में हम बताए थे ना, तो ये चारों याद रखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, फसल अवशेषों के पुनर्चक्रण के लाभ हैं, मृदा के भौतिक गुणों में सुधार, मृदा के उर्वरा शक्ति में सुधार,
फसल के उत्पादकता में वृद्धि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का डी बता रहे हैं, चलिए सही है, चलिए इनमें से सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कृषि विपणन में शामिल होने वाले कार्यकर्ता हैं, कृषि विपणन में शामिल होने वाले कार्यकर्ता हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कृषि विपणन में शामिल होने वाले कार्यकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृषि विपणन में शामिल होने वाले कार्यकर्ता हैं, चलिए फ्रेंड्स सही है, इनमें से सभी होगा। यहाँ पे कृषि विपणन का मतलब होता है, जान लीजिए ठीक है, कृषि विपणन का मतलब होता है कृषि की उपज की बिक्री, कृषि की उपज की बिक्री इसका मतलब होता है, कृषि विपणन का मतलब यही पूछ रहा है कि कृषि की उपज की जो बिक्री होती है ठीक है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। हाँ सही है, आप सभी का ऑप्शन डी होगा, बट क्वेश्चन यहाँ पे समझ लीजिए, कृषि विपणन का मतलब होता है कृषि उपज में बिक्री, ठीक है, यानी कृषि उपज में जो बिक्री होती है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। मानिए दोस्तों अगर आपने अपने खेतों में ठीक है, मानिए अगर आपके पास एक हेक्टेयर का खेत है, अगर उसमें आपने आलू लगाया है ठीक है, मान लीजिए उसमें अगर आपने आलू लगाया है और उसको जो है आलू जब निकालते हैं हम लोग ठीक है, आलू निकालने के बाद जब उसको बाजार में बेचने जाइएगा तो आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन से उसमें भाग लेते हैं कार्यकर्ता, ये पूछ रहा है दोस्तों। क्या करते हैं आप लोग, कमीशन एजेंट को देते हैं, जो कमीशन पे आपसे आलू लेते हैं उसको देते हैं, वो क्या करता है थोक विक्रेता जो होता है उसको देता है, फिर थोक विक्रेता क्या करता है ग्रामीण व्यापारी को देता है ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये तीनों जो है इसमें शामिल होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, थोक व्यापारी भी होता है और ग्रामीण व्यापारी जो खुदरा रिटेल बेचता है वो भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोमोलॉजी से फल विज्ञान ठीक है, पोमोलॉजी शब्द लिया गया है, दोस्तों कई बार बता चुके हैं, पोमोलॉजी शब्द लिया गया है, हम बता चुके हैं कैसे पहचानेगा कि कौन सा शब्द किससे लिया गया है, पोमोलॉजी से या फिर कौन सा शब्द लैटिन भाषा का है और कौन सा शब्द ग्रीक भाषा का है, ये हम बता चुके हैं आपको, पहचानने का जो ट्रिक है वो बता चुके हैं। चलिए पोमोलॉजी बताइए, पहले प्रिंस कुमार मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, मैं बता दूँ वैसा शब्द जिसके लास्ट में ठीक है, वैसा शब्द जिसके लास्ट में लॉजी लगा हुआ हो, LOGY लगा हुआ हो ठीक है, वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, जिसके लास्ट में कल्चर लगा हुआ हो ठीक है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पोमोलॉजी पूछ रहा है, LOGY लगा हुआ है तो ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द होगा, ओके। ठीक है फ्रेंड्स समझ गए, थोड़ा सा सिंपल सा ट्रिक था, इजी था, आप लोग समझ गए होंगे ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फसलों के अनुकूलनशीलता की प्रक्रिया एक अभिन्न पहलू है, फसलों के अनुकूलनशीलता की प्रक्रिया एक अभिन्न पहलू है, विकास प्राकृतिक चयन ए बी दोनों इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग बताइए, चलिए सही आप सभी का ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मौसम के आधार पे, ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मौसम के आधार पे सब्जियों का वर्गीकरण करें, मौसम के आधार पे दोस्तों ग्रीष्मकालीन शीतकालीन और वर्षाकालीन ठीक है, ये तीनों होता है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है, 17 का ऑप्शन डी मौसम के आधार पे ठीक है। चलिए सही है ऑप्शन डी हो यहाँ पे, हाँ सही है आप सभी का, अंकित कुमार, आदित्य राज, प्रिंस राह कुमार ऑप्शन डी बता रहे हैं सही है, कुबेर प्रिया ऑप्शन डी बता रहे हैं सही है, अमित कुमार ऑफिशियल सही है आपका भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, अंगूर हेतु संघाई की विधि नहीं है, खंफा विधि, टेलीफोन विधि, ए बी दोनों, हेजरो विधि, अंगूर में संघाई किसी विधि से नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग बताइए, सॉरी विधि
है पूछ रहा है, ठीक है, किसमें होती जो है जो अंगूर की संघाई के लिए होती है, क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग बताइए। चलिए सही है, ऑप्शन सी ए भी दोनों होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, पपीता का उभयलिंगी प्रजाति है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पपीता से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पपीता का उभयलिंगी प्रजाति है। अभी जस्ट हम ये वीडियो बता रहे थे 2021 के मॉडल पेपर में, तो आप लोग बताइए इसका आंसर कि इसमें से उभयलिंगी वैरायटी कौन सा है पपीता का। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर बताइए। चलिए सही है आप सभी का, पूसा डायलिसिस, पूसा डिलीशियस, पूसा डिलीशियस जो है, पूसा डिलीशियस जो है उभयलिंगी वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद पूसा डबार्क, CO2, पिंक फ्लेश स्वीट, ये सब जो है पपीता की पृष्ठलिंगी वैरायटी है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 20। बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा विकसित आम की किस्में हैं। बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा विकसित आम की किस्में कौन कौन सी है। ऑप्शन ए महमूद बहार, ऑप्शन बी प्रभा शंकर, ऑप्शन सी मेनका, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या होगा। बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा विकसित आम की किस्में हैं। चलिए सही है आप सभी का, ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है, इनमें से सभी। बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर द्वारा जो आम की किस्में हैं, महमूद बहार, प्रभा शंकर, मेनका, ये सभी हैं। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में लीची भारत में किस राज्य में लीची सबसे पहले पककर तैयार होता है। भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे लीची सबसे पहले पक जाता है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तराखंड। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलिए बहुत अच्छा आंसर है आप सभी का, ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या होता है कि लीची जो है सबसे पहले पककर तैयार होता है। त्रिपुरा में लीची सबसे पहले पककर तैयार होता है। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, त्रिपुरा जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22। गाजर की एशियाई किस्म है, गाजर की एशियाई किस्म कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, गाजर की एशियाई किस्म कौन सी है। ऑप्शन ए पूसा केसर, ऑप्शन बी पूसा रुधिर, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी पूसा यमदगीन। चलिए सही है, चलिए आप और लोग आंसर बताइए, जितने भी लोग हैं सभी लोग आंसर बताइए यहाँ पे। पूसा केसर और पूसा रुधिर जो है गाजर की एशियाई किस्म है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब आलू में हरापन के कारण है, ये भी क्वेश्चन कई बार बताया गया है। आलू में हरापन के कारण क्या है, आलू में जो हरापन होता है वो किसके कारण होता है। आलू में हरापन जो होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए फफूंद के कारण, ऑप्शन बी बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन सी पोषक तत्वों की कमी के कारण, और ऑप्शन डी है यहाँ पे सूर्य के प्रकाश के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। चलिए एकदम सही है आप सभी को, ड्यू टू सनलाइट, चलिए सनलाइट के कारण होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लताएं के प्रकार हैं। दोस्तों लता का कौन कौन सा प्रकार है, लता का कौन कौन सा प्रकार है, आप लोग पढ़े होंगे क्रीपर्स, ट्विनर्स, क्रीपर्स, रेमनर्स, ये सभी के बारे में वही पूछ रहा है, लता का कौन कौन सा प्रकार है, कौन कौन सा वेराइटी है। क्वेश्चन नंबर 24 है ये, बताइए।
लताई के प्रकार हैं, ट्विनर्स, क्रीपर, डेम्बलर्स, इनमें से सभी है। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का सही है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, ट्विनर्स जो है उन लता को कहते हैं जो चढ़ने के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, जिनके पास ऊपर चढ़ने के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं ट्विनर्स। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये क्या होते हैं, फिर भी जो है किसी अन्य वस्तु के सहारे वो जो है ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, लता जो है लतर जाती है। क्रीपर जो दिया हुआ है आपका सेकेंड में, क्रीपर, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका तना जो होता है वो कमज़ोर होता है। ठीक है, इसका तना जो होता है वो कमज़ोर होता है, और ये जो है बिना सहारे के ये, ठीक है, अपने आप जो है ऊपर नहीं कर सक चढ़ सकता है। जब तक इसको कोई सहारा नहीं दीजिएगा, जब तक बांस उस नहीं लगाइएगा, तब तक ये ऊपर नहीं चढ़ सकता है। तो इसको जो है सहारा की आवश्यकता होती है क्रीपर को। ठीक है, उसका रेम्बलर जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में, इसमें क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार की लताओं में न तो विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं और न ही अन्य वस्तु के निपट कर चढ़ती है, यह स्वतः ही ऊपर चढ़। दोस्तों इसमें जो है किसी प्रकार की कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह जो है अपने आप जो है ऊपर चढ़ जाती है। ये तीनों जो है लता के बारे में आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम दे दिए आपको बस। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका इनमें से सभी हो गया। 25 है अगला, गुलाब के सफ़ेद किस्म है, गुलाब के सफ़ेद किस्म है, गुलाब का सफ़ेद फिर कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा, गुलाब का सफ़ेद, येलो, पिंक, ये सब जो भी वैरायटी होती है वो सभी याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको काम देगा, दो नंबर वाले या फिर ऑब्जेक्टिव में काम दे सकता है। और गुलाब से क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, कई बार गुलाब से क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये बताइए गुलाब का वाइट वैरायटी पूछ रहा है, यानी सफ़ेद किस्म कौन सा है। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी का सही है, मेघा कुमार, आदित्य कुमार, प्रिंस कुमार, खगांता प्रवीण, सुबेन मोरिया, ठीक है, कुबेर प्रिया, अंकित कुमार, अमित कुमार ऑफिशियल, सोनू कुमार, सही है आप सभी का। यहाँ पे जून ब्राइड एक वैरायटी है गुलाब की, जो वाइट किस्म है गुलाब की। एवन जो होता है वो आपका होता है रेड किस्म, एवन जो होता है वो होता है रेड किस्म। उसके बाद जो है सोनिया जो होता है वो आपका गुलाबी किस्म होता है सोनिया, और डच गोल्ड जो होता है वो आपका पीला किस्म होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात की रानी का वनस्पति का नाम क्या है। दोस्तों रात की रानी जो होते हैं उसके वनस्पति का नाम क्या है ये पूछ रहा है। चलिए सही है, सोनिया पिंक होता है, सही था आपका, सोनिया जो है पिंक होता है। लेकिन यहाँ बताइए आप लोग, रात की रानी का वनस्पति का नाम क्या है। चलिए आप सभी का सही है, जिन लोगों ने यहाँ पे, आप सभी गलत बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अंकित कुमार सही आया है आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सेक्ट्रम नॉक्चुरम होगा। ठीक है, सेक्ट्रम नॉक्चुरम जो होता है वह गुलाब रात की रानी का वनस्पति का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, परिरक्षण प्रक्रिया में सब्जियों का है, परिरक्षण प्रक्रिया में सब्जियों को आर्द्रता तक सुखाया जाता है, परिरक्षण प्रक्रिया में सब्जी का पूछ रहा है, यहाँ पे एक फल का भी पूछा जाता है कि फल का क्या होता है। यहाँ पे फल का भी पूछा जाता है, यहाँ पे हालांकि सब्जी का पूछ रहा है तो सब्जी का बताइए आप लोग, फल का मैं बता दूंगा, सब्जी का कितना होता है। सत्ताईस का ए होगा, ठीक है, सत्ताईस का ए होगा। यहाँ पे 10-12% होता है सब्जी में, सब्जी में होता है 10-12%। लेकिन दोस्तों अगर बात करें फल का, तो फल का होता है 18-20%, सब्जी का होता है आपका, ठीक है, सब्जी का होता है, यहाँ देखिए सब्जी का होता है 10-12,
और 18 से 20 जो दिया हुआ ये फल का होता है, फल का होता है 18 से 20। ऑप्शन ए किसका? ऑप्शन ए सब्जी का होगा, ऑप्शन ए सब्जी का होता है और ऑप्शन बी फल का होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। श्रव्य दृश्य प्रसार की विधियां हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेट का, एक और सेट करवाएंगे यहाँ पे अभी हम, ठीक है 28 क्वेश्चन और करवा देंगे ताकि जल्दी जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, तब जाके आप लोग के लिए भी अगला क्लास भी आएगा, जल्दी से ये कंप्लीट होगा तब तभी तो आ पाएगा। तो एक सेट और करवा देते हैं जल्दी जल्दी। चलिए सही है आप सभी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन था 28 का क्वेश्चन, 28 का ए होगा, 28 का ए, 28 का ए होगा, ठीक है आप लोग देख लिए होंगे इसको। चलिए अगला सेट भी दिखाते हैं, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, ये प्रिया भी हम दिए हुए हैं टेलीग्राम पे, आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सिंपली देख लीजिएगा। चलिए ये सेट 5 है, यहाँ पे देख सकते हैं सेट 5 होगा, ठीक है ये सेट 5 है आपका, आज सेट 5 तक करवाएंगे, अगले क्लास में सेट 6 और सेट 7 करवाएंगे, आज जो है सेट 5 तक करवाएंगे और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से होगा सेट 6 और 7 होगा, तो आज इतना कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। चलिए दोस्तों बताइए गर्मा फसल कब लगाई जाती है, चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए आप लोग भी, हम भी गर्मा फसल कब लगाई जाती है। गर्मा फसल कब लगाई जाती है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, गर्मा फसल कब लगाई जाती है, बताइए आप सभी आंसर इसका। चलिए सही, चलिए सही है आप सभी का, ठीक है गर्मा फसल जो लगाई जाती है वह फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में लगाई जाती है, ठीक है फरवरी मार्च में गर्मा फसल लगाई जाती है, ध्यान रखिएगा अक्टूबर नवंबर में रबी फसल, ठीक है रबी फसल लगाई जाती है अक्टूबर नवंबर में, और जून जुलाई में खरीफ फसल, या तीनों याद रखिएगा। ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहरी जड़ वाली फसल कौन सी है, गहरी जड़ वाली फसल कौन सी है, गहरी जड़ वाली फसल कौन सी है, ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चना। चलिए सही है राजीव कुमार, आदित्य कुमार, कुबर प्रिया, दीपक भाई, कांसा प्रवीण, अभिषेक सिंघानिया, अनु अनुजा, आप सभी का सही है, ऑप्शन बी अरहर जो है यहाँ पे होगा, गहरी जड़ वाली फसल। अगला है धान फसल की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापक्रम है, दोस्तों धान के लिए बढ़ने के लिए जिस टाइम वो धान टाइम जो है, हाँ अंकित कुमार आपका भी सही था, ठीक है धान फसल के लिए बढ़वार के लिए, ठीक है जो बढ़ने की जो उसका ये होता है उस टाइम जो है कितना डिग्री टेम्परेचर अच्छा होता है धान के लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए। हाँ चलिए सभी लोग बताइए आंसर, यहाँ पे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, ठीक है सभी लोग अलग अलग टाइप के आंसर बता रहे हैं, तो सभी लोग आंसर बताइए यहाँ पे, जो भी आते हैं आपको वही बताइए।
चलिए, कुछ लोग यहाँ पे सी बता रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बी बता रहे हैं, ठीक है। धान के बढ़वार किसमें पूछ रहा है, ठीक है, बढ़ने की, जब वो धान बढ़ने का जो होता है उस टाइम जो है कितना डिग्री टेम्परेचर धान के लिए उपयुक्त माना जाता है, ये बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आपका है ये थर्ड है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग अलग बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, ठीक है। वो लोग मैसेज कर रहे हैं, प्लीज मैसेज मत कीजिए व्हाट्सएप पे अभी, आप लोग क्लास खत्म होने के बाद आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी कॉल वगैरह करके परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 20 से 25 डिग्री होगा, ठीक है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस धान की बढ़वार के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। क्या कौन सा प्रवीण, मैं बता दूं यहाँ पे अंकुरण के लिए जो बोल रहे हैं यहाँ 20 से 25 होता है अंकुरण के लिए जो है, ठीक है, धान के अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान होता है सबसे कम यानी कि नीचे नहीं जाना 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, और अधिकतम होता है 40 डिग्री, ठीक है, अधिकतम होता है 40 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा, यानी कि 40 डिग्री से ऊपर अगर जाएगा टेम्परेचर तो धान की फसल में धान का जो है अंकुरण, बीज का अंकुरण नहीं होगा, अगर 10 डिग्री से नीचे चला जाता है तब भी अंकुरण नहीं होगा, यानी कि 10 से ऊपर और 40 से नीचे रहना चाहिए टेम्परेचर, तभी जाके धान के बीज का अंकुरण हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा था आपसे बढ़वार के लिए, ठीक है, बढ़ने की उम्र के लिए, तो वहाँ पे 20 से 25 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नहीं, बुक बुक में अंकुरण नहीं होना चाहिए, बुक में देखिएगा आप अच्छे से, बुक में शायद दिया हुआ है आपके बुक में ये चीज़ जो हम बताए हैं 10 डिग्री और 40 डिग्री वाले बात, 10 से नीचे नहीं, नीचे जाएगा तब अंकुरण नहीं होगा और 40 डिग्री से ऊपर जाएगा तब अंकुरण नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके बुक में भी दिया हुआ है शायद धान की बढ़वार के लिए जो होता है 20 से 25 डिग्री होता है। ऐसे एक क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ तक हमको याद है उस हिसाब से हम बताए हैं, बट अगर कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में तो एक बार देख लीजिएगा देखने में क्या जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मक्का का वनस्पतिक नाम है, ऑप्शन ए ओरिजा सेटाइवा, ऑप्शन बी केजेनस केजान, ऑप्शन बी जिया मेज, ऑप्शन डी ट्राइटम स्टीवम। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए, चलिए सभी लोग यहाँ पे सी बता रहे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी जस्ट हम बताए थे, ठीक है। मक्का का वनस्पति का नाम होता है जिया मेज, आप लोग बताइए ओरिजा सेटाइवा का क्या होता है, किसका होता है ओरिजा सेटाइवा, किसका होता है वनस्पति का नाम, ये आप ही लोग बताइए। अब ओरिजा सेटाइवा किसका वनस्पति का नाम होता है ये बताना है आप सभी को। भूल गए क्या आप लोग, चलिए अब आंसर आ रहा है, चलिए ठीक है, धान के लिए होता है, ठीक है, पैडी के लिए होता है। अच्छा, केजेनस केजान किसके लिए होता है, केजेनस केजान किसके लिए होता है ये बताइए, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है। केजेनस केजान किसके लिए होता है, केजेनस केजान किसके लिए होता है, अनु अनुजा गलत बता रहे हैं, कोकोनट नहीं होगा, ठीक है, कोकोनट का होता है कोकस नूसीफेरा, ठीक है, कोकोनट का होता है आपका कोकस नूसीफेरा होता है, यहाँ पे अरहर होगा, सही है आप सभी का अरहर होगा, चलिए सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक और ऑप्शन दिया हुआ था कोई, हाँ ट्राइटिकम स्टीवम किसका होता है ये भी बता दीजिए,
ट्राइटिकम स्टिबम किसका होता है? ट्राइटिकम स्टिबम किसका होता है ये भी बताइए। सही है, वीट के लिए, गेहूं के लिए होता है। ठीक है, ट्राइटिकम स्टिबम जो होता है वीट के लिए यानी कि गेहूं के लिए होता है, ध्यान रहे। चलिए सही है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आप सभी का, चलिए सही है, लगता है सीख गए आप लोग, याद हो गया आप लोग को। चलिए अगला है, हाँ देखिए देखो, कटाई के समय धान के दानों में नमी रहना चाहिए। अभी जस्ट हम बताए थे इससे पहले के सेट में, कटाई के समय धान के दानों में नमी रहना चाहिए, बताइए सभी लोग बताइए आंसर इसका। कटाई के समय धान के दानों में नमी रहना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए सही है, अमित पवार ऑफिशियल, आदित्य राज, मेघा कुमारी, प्रिंस कुमार, दीपक भाई, अनु अनुजा, ठीक है, ककांसा परवीन, राजीव कुमार, सुबेन मुरिया, आदित्य, अंकित कुमार, कुबर प्रिया। आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आया है ऑप्शन कुबर प्रिया, आप गलत बता रहे हैं, ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी हुआ यहाँ पे। ठीक है साक्षी प्रिया, हेलो। चलिए यहाँ पे जो है कटाई के समय होता है कितना 24% और भंडारण के समय 14%, याद रखिएगा। ओके याद रहेगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तब। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में गेहूं के असिंचित, देखिए यहाँ पूछ दिया क्वेश्चन, पिछले सेट बताए थे आपको विलंब से गेहूं, बिहार में गेहूं के असिंचित विलंब से, ठीक है, बुआई का समय है कितना है, अब बताइए आप लोग इसका आंसर, अच्छे से सोच समझ के राइट आंसर बताइएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। विलंब से पूछ रहा है, ठीक है बताइए सभी लोग बताइए इसका आंसर, तब सीख पाइएगा, यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं आप लोग बार बार। बहुत अच्छा आंसर आया है आप सभी का आंसर बहुत अच्छा आया है ऑप्शन सी, ठीक है। विलंब से जो होता है 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होता है विलंब से, ध्यान रखिएगा। ओके ठीक है, हम बताए थे पिछले क्लास में भी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर जो होता है, हाँ चलिए सही है, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर होता है असिंचित प्रभेद के लिए, असिंचित के लिए। उसके बाद 15 नवंबर से 30 नवंबर होता है किसके लिए, ठीक है, तो ये होता है समय पर, सिंचित में समय पर, ये तीनों याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना का उकटा रोग कारक वैज्ञानिक नाम है, ये भी क्वेश्चन पिछले सेट में बताए थे अभी आपको, चलिए देर मत कीजिए बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए, अभी जस्ट हम पिछले क्लास में बताए थे, पिछले सेट में बताए थे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। ठीक है यहाँ पे सभी टाइप के आंसर आ रहे हैं, आप लोग मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में भी। ऑप्शन ए फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम जो है राइट आंसर है इसका, ध्यान रखिएगा फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम जो होता है वो राइट आंसर है। चलिए सही है ऑप्शन ए जिन लोगों ने बताया है। चना का फली दोदक कीट का होता है आर्मी जोरा, फली दोदक कीट बार बार बताना पड़ता है, लिख लीजिए फली दोदक कीट होता है चना का, उसका होता है आर्मी जेरा हेलिकोरपा आर्मी जेरा, ठीक है। उसका अस्केलेडस या रोसफ्लक्साई होता है मसूर में, ठीक है, मसूर का स्तंभ रोग, ठीक है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना की खेती की जाती है कितने हेक्टेयर भूमि पे। बिहार में गन्ना की खेती कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। बताइए जल्दी जल्दी आप लोग भी। ओके ओके, थोड़ा फास्ट कीजिए दोस्तों, हम भी सोचे थे 3 बजे तक खत्म हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे टाइम जो है 3 बजने वाला है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, सोचे थे 3 बजे तक खत्म हो जाएगा, यहाँ पे टाइम देख सकते हैं ऊपर, लेकिन ये खत्म नहीं हो पाया। चलिए जल्दी थोड़ा फास्ट चलते हैं, जल्दी से सही करते हैं। चलिए आप लोग आंसर बताइए, बिहार में गन्ना की खेती कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। जिन लोगों ने ऑप्शन बी बताया है 2.5 लाख हेक्टेयर, यानी 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि उनका सही है, 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती है बिहार में गन्ना की खेती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, मिट्टी में रंध्र होते हैं, मिट्टी में रंध्र होते हैं। चलिए कुछ नहीं हुआ दोस्तों, चलिए आ जाइए, थोड़ा सा वीडियो लग रहा था, रुक रहा था शायद, अब सही हो गया है। मिट्टी में रंध्र होते हैं, दीर्घ रंध्र, सूक्ष्म रंध्र, बताइए दोस्तों। मिट्टी में रंध्र होते हैं, नाइन का सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल उपयोग खपत बराबर होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, घास परिवार के खरपतवार के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, घास परिवार के खरपतवार के उदाहरण है। दोस्तों पिछले क्लास में बता चुके हैं हम आपको, घास परिवार के खरपतवार के उदाहरण है। बताइए आप लोग, घास परिवार के खरपतवार के उदाहरण है। दोस्तों कई बार बता चुके हैं, क्वेश्चन गलत मत बताइए आप लोग, इतने बार अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देते हैं, उसके बाद गलत मत बताइए कीजिए। ठीक है, घास परिवार का जो होता है दोस्तों वो होता है सेचरम स्पोर्ट नियम, हम बताए थे ना पिछले क्लास में भी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 11 का। आज शाम का क्लास नहीं करवाएंगे, ठीक है, सिर्फ क्रैश कोर्स होगा आज। क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है, आप लोग 10 क्यों लिख रहे हैं, 11 का भी चले सही है, 11 का भी होगा। ठीक है, हम सब का बता चुके हैं, ए में जो है सोलिल नाइग्राम, इसका होता है ये जो होता है आलू का होता है, ठीक है आलू का होता है ये, उसके बाद बताए थे ना ये जो सी में है ये प्याज का होता है, उसके बाद बताए थे ना ये जूट का होता है, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, तीनों लिख लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब 12, जैविक खेती में प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों जैविक खेती में क्या प्रयोग नहीं होता ये बताना है आपको, जैविक खेती में क्या प्रयोग नहीं होता है ये बताना है आपको। चलिए इनमें से सभी, यानी कि रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, ये सब में से किसी को भी हम जैविक खेती में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फसल अवशेषों के पुनर्चक्रण के लाभ हैं, तो ये भी क्वेश्चन बताए हुए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, मिस्टेक कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में ए बी दोनों दिया हुआ है और ऑप्शन डी में इनमें से सभी दिया हुआ है, आप किसको सही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13,
दोस्तों अगर इस टाइप के अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन में, तो आप एक काम कीजिएगा, ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको देखिएगा इंग्लिश में क्या दिया हुआ है। देखिए इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में सी में दिया हुआ है बोथ, ए बी दोनों, और डी में दिया है नन ऑफ दीज, यानी कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होता, तो लिखा गया है इनमें से सभी, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा सी होगा, सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहकारी खेती की विफलता के कारण है, सहकारी खेती हम बताए थे आपको, उसके विफलता के कारण कौन से हैं, क्यों वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए निरक्षरता, ऑप्शन बी भूमि से लगाव, ऑप्शन सी सरकारी उत्साह का अभाव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए आप सभी लोग। आदित्य राज, मैं बता दूं, आदित्य राज मैं आपको बता दूं, इंग्लिश टाइपिंग का भी मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है, अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में जो टाइपिंग दिया हुआ रहता है उसको सही माना जाता है, ठीक है, हिंदी टाइपिंग को हमेशा गलत माना जाता है, इसलिए आप लोग इंग्लिश टाइपिंग जो भी रहे उसको सही मान के आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए, इनमें से सभी सही है, ठीक है, सहकारी खेती जो विफल हुआ था इसका रीजन क्या था, ये भूमि से लगाव था, सहकारी उत्साह का अभाव था, और किसान जो है अनपढ़ थे, ये भी कारण था। चलिए अगला है, ओलेरिकल्चर शब्द लिया गया है, बताइए दोस्तों ओलेरिकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा या फिर लैटिन भाषा से। बताइए आप लोग ओलेरिकल्चर शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा या फिर लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, चलिए सही है आप सभी का, 15 का ए लैटिन भाषा का कल्चर लगा हुआ है, ठीक है, सी यू एल टी यू आर कल्चर लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों में सब्जियों एवं फलों को प्रसंस्कृत किए जाते हैं, पश्चिमी देशों में सब्जियों एवं फलों को प्रसंस्कृत किए जाते हैं, कितने किए जाते हैं पश्चिमी देश में, ये बताना है। प्रसंस्कृत क्या होता है ये आपको बता चुके हैं हम, ठीक है, बताइए पश्चिमी देशों में सब्जियों एवं फलों को प्रसंस्कृत किए जाते हैं कितने है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं फिर भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए, पश्चिमी देश में पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल में बताए थे, इतना बताए थे अच्छे से फिर भी भूल गए आप लोग। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रसंस्कृत क्या होता है दोस्तों, जिसे आम है, ठीक है, आम को हम लोग क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, आम से जूस बनाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रसंस्कृत प्रोसेसिंग, ठीक है, सिंपल में समझिए, तो आम का जो है जूस बनाना ही प्रसंस्कृत है, वो भारत वो जो है पश्चिमी देश में कितना होता है ये बताना है आपको, सिंपल है दोस्तों, पश्चिमी देश में ऐसा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है ऐसा, ठीक है, हमारा जो भी कोको कोला फ्रूटी जो भी कंपनी है ये क्या है पश्चिमी देश की कंपनी है, भारत का कोई भी कंपनी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ज़्यादा मतलब कितना 65 से 90%, 65 से 90, यहाँ पे 16 का डी होगा, और भारत में होता है मात्र 2 से 4%, भारत में होता है 2 से 4%, ओनली 2 से 4% भारत में, देख लीजिए ये दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन बागवानी के प्रकार, सिंपल क्वेश्चन है बता आपको पता होना चाहिए, सघन बागवानी के प्रकार कौन है, इनो है, मध्यम सघन बागवानी में कितने पौधे लगते हैं एक हेक्टेयर में, तो मध्यम सघन बागवानी में आपको 500 से 1500 पौधे लगाए जाते हैं, अनुकूलतम सघन बागवानी में 1500 से 10000, ठीक है, और अति सघन बागवानी में 10000 से 1 लाख, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, सेब के पौधों के लिए संघाई विधि नहीं है, सेब के पौधों के लिए संघाई विधि नहीं है,
ऑप्शन ए निफिन विधि, ऑप्शन बी पिरामिड विधि, ऑप्शन सी स्पाइडल झाड़ी विधि, ऑप्शन डी कार्डन विधि। पूछ रहा है नहीं है, ध्यान रहे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए सही से, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, नहीं है निफिन विधि नहीं है, ठीक है बाकी सभी विधि है, पढ़े होंगे आप लोग बुक में इसको। अगला क्वेश्चन है पपीता से, पपीता को भारत में किस सदी में लाया गया था, पपीता को भारत में किस सदी में लाया गया था, ऑप्शन ए 12वीं सदी में, ऑप्शन बी 14वीं सदी में, ऑप्शन सी 16वीं सदी में, ऑप्शन डी 18वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपका, चलिए सही है आप सभी का, 19 का सी 16वीं सदी में लाया गया था। ओके अगला क्वेश्चन है हमारा लीची की किस्में हैं, इसमें से लीची का किस्म कौन सा है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, शाही, चाइना, लेट बेदाना या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का डी होगा, इनमें से सभी शाही, चाइना, लेट बेदाना, अर्ली बेदाना ये सभी जो है लीची की किस्म होती है, लीची की वैरायटी होती है, ध्यान रखिएगा ठीक है, ये सब जो है लीची की वैरायटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आंवला का उत्पत्ति वनस्पतिक नाम क्या है, आंवला का वनस्पतिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, आंवला का वनस्पतिक नाम क्या है। कमलेश कुमार हम बताए थे कोकस नुसीफेरा जो है वो नारियल का होता है, कोकस नुसीफेरा नारियल का होता है। दोस्तों यहां बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो अम्बलिका ऑफ्सिनियल नीरस होता है, ऑप्शन ए अम्बलिका ऑफ्सिनिलिस होता है। अच्छा फ्रेगेरिया अनानास जो दिया हुआ है अनानास ये आपका ऑस्ट्रॉबेरी का होता है, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ये ऑस्ट्रॉबेरी का होता है, कोकस नुसीफेरा जो है वो आपका नारियल का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हल्दी की वैरायटी कौन सा है, इसमें से हल्दी का वैरायटी कौन सा है, राजेंद्र सोनिया, ऑप्शन बी सुगुना, ऑप्शन सी NDR18, ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए बिल्कुल सही आंसर आया है आप सभी का, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, धनिया का वनस्पति का नाम क्या है, धनिया का वनस्पति का नाम क्या है, 23 का आंसर बताइए। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे धनिया का वनस्पतिक नाम ठीक है कोरिएंडम सेटाइवम होता है, ठीक है नाइजेला सेटाइवा जो दिया हुआ है ठीक है ये आपका मंगरेल का होता है, ये आपका मंगरेल का वनस्पतिक नाम होता है। अच्छा फाइकोलियम वल्गेयर होता है सौंफ का,
ठीक है, ट्रैकिस्परम अम्मी जो होता है ये आपका अजवाइन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डहलिया के सफेद किस्म है। दोस्तों आपको बताए थे डहलिया का सफेद किस्म कौन सा है, अभी क्लास में बताए थे, वर्ल्ड न्यूज जो है डहलिया का सफेद वैरायटी है, वर्ल्ड न्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलाब का पीला किस्म कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बताए थे, गुलाब का येल्लो किस्म कौन सा है। ठीक है, गुलाब का वसंत जो है येल्लो किस्म है, पीला वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, लेमन ग्रास की किस्में हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रगति, कृष्णा, नीमा, ये सभी जो है लेमन ग्रास की वैरायटी है, याद रखिएगा। अगला है, परिरक्षण के विकिरण प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं, परिरक्षण के विकिरण प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं, कौन से करते हैं, यूवी रेज या एक्सरे या फिर गामा रेज या फिर इनमें से सभी, तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, सिंपल है, इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क का आधार है, तो जनसंपर्क का आधार क्या होना चाहिए, टेलीविजन, यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 5 सेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आपका टोटल 5 सेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगला जो आएगा वो आएगा सेट 6 और 7, कल आएगा वो क्लास 6-7 का। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी को बाय।